स्टार प्लस की सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा एक बार फिर से अपनी कास्ट की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि सीरियल अनुपमा से गौरव खन्ना का पत्ता साफ होने वाला है। ये खबर सामने आते ही अनुपमा के फैंस के बीच खलबली मच गई थी। इसी बीच सीरियल अनुपमा के मेकर्स ने एक और टीवी एक्टर को रातों रात शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं अनुपमा के बेटे समर यानी पारस कलनावत की। खबर है कि पारस कलनावत को सीरियल अनुपमा से बाहर कर दिया गया है। प्रोडक्शन हाउस ने आरोप लगाया है कि पारस ने बिना बताए किसी और चैनल के शो को साइन कर लिया है। राजन शाही को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसके बाद पारस को शो से आउट कर दिया गया। सीरियल अनुपमा के डायरेक्टर राजन शाही ने खुद इस बात की पुष्टि की है। राजन शाही ने माना है कि पारस कलनावत के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से मेकर्स ने ये फैसला भी लिया है। पारस के बारे में बात करते हुए राजन शाही ने कहा, हम कभी भी किसी एक्टर को काम करने के लिए नहीं रोकते। पारस कलनावत ने पहले भी कई और प्रोजेक्ट में काम किया है। इस दौरान पारस कलनावत ने प्रोडक्शन हाउस से पूछकर फैसला लिया था। आगे राजन शाही ने कहा, प्रोडक्शन हाउस ने कई बार पारस कलनावत के लिए एडजस्ट किया है। प्रोडक्शन हाउस का मालिक होने के नाते कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी बीच खबर आ रही है कि पारस कलनावत झलक दिखला जा 10 का हिस्सा बनने वाले हैं। झलक दिखला जा सीजन 10 की वजह से ही राजन शाही ने पारस कलनावत के शो से निकाल दिया है। इस खबर ने पारस कलनावत के फैंस को सदमे में भी डाल दिया है। मेट्रो मुंबई के लिए नितेश ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।